हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। आज मैं लेके आया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री इतिहास के क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने वो दे रखा है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट टाइम मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देता हूँ वहाँ पर। अब बढ़ते हैं आज के अपन पहले नंबर क्वेश्चन पे। वैदिक देवताओं के नाम युक्त अभिलेख कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए मिस्र में मिले हैं, ऑप्शन भी है बोगजोइक में मिले हैं, ऑप्शन सी ईरान में मिले हैं, ऑप्शन डी है रोम में मिले हैं। तो जो वैदिक देवताओं के जो कहां पे मिले हैं वो मिले हैं ईरान में मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते अपन दो नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, ऑप्शन बी है एम वोल्होकर को माना जाता है, ऑप्शन डी है मार्शल को माना जाता है। तो किसको माना जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन तीस नंबर क्वेश्चन पे। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है लामा तारनाथ ने की है, ऑप्शन बी है सुमाचिन ने की है, ऑप्शन सी इत्सिंग ने की है, ऑप्शन डी है हेमचंद्र सूरी ने की है। तो किसने किया है वो किया लामा तारानाथ ने की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन चार नंबर क्वेश्चन पे। कंदरा चित्रकलाओं का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? ऑप्शन ए पंजाब में मिला है, ऑप्शन बी है राजस्थान में मिला है, ऑप्शन सी है बिहार में मिला है, ऑप्शन डी है बिहार में मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, वो होगा बिहार में मिला है। अब बढ़ते अपन पाँच नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए दयाराम सयानी थे, ऑप्शन बी है माधोराव वत्स थे, ऑप्शन सी है रखल दास बनर्जी थे, ऑप्शन डी है आर सी मजुमदार थे। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, वो थे राखल दास बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं छह नंबर क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है धोलीवीरा, ऑप्शन डी है लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, वो था लोथल के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं सात नंबर क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा जो एक महत्वपूर्ण उद्यान क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी राजस्थान में, ऑप्शन बी है पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी है पश्चिमी राजस्थान में। तो जो कालीबंगा है वो कहाँ पे है, वो उत्तरी राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोथल एवं मोहनजोदड़ो में हड़प्पावासियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? ऑप्शन ए है जहाज निर्माण, ऑप्शन बी है मनके निर्माण, ऑप्शन सी है हस्तनिर्मित वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी है धातुकर्म उद्योग। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था, वो था मनके का निर्माण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते अपन नौ नंबर क्वेश्चन पे। संदेह सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है संदेह सभ्यता को हड़प्पा हड़कप्पा सभ्यता? ऑप्शन ए है यह सबसे बड़ा स्थल है, ऑप्शन बी है यहाँ पे सर्वाधिक संख्या में पुरातत्व अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी है इस स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी, ऑप्शन डी है यह संदेह सभ्यता की एक किस में एक राजधानी था। तो इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो खोज है वो सबसे पहले करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। नवरत्न एम राजा राम एव डेविड फ्रले ने पुरातत्व ऋग्वेदिक काल का क्या समय निर्धारित किया था? तो क्या समय बताया था, ऑप्शन ए है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन बी है 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी है 3000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन डी है 6000 ईस्वी पूर्व से 3700 ईस्वी पूर्व तक। तो उन्होंने क्या ऋग्वेदिक काल का क्या समय बताया था, वो बताया था 6000 ईस्वी पूर्व से 3700 ईस्वी पूर्व तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि आर्य मध्यम एशिया से आए थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर का, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स का, ऑप्शन डी है विल्सन स्मिथ का। तो ये जो किसका था, किसने दिया था ये तर्क, ये दिया था मैक्स मुलर ने, कि जो आर्य है वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। चार पुरुषार्थों का नीचे दिया गया सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है काम अर्थ धर्म मोक्ष, ऑप्शन बी है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन सी है अर्थ काम धर्म मोक्ष, ऑप्शन डी है धर्म कर्म अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जो सही क्रम है वो क्या होता है, सबसे पहले धर्म आता है, फिर अर्थ मतलब पैसा, फिर काम कामना, और फिर क्या आती है मोक्ष आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। त्रि शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है
ऋग्वेदिक एवं सामवेद के लिए, ऑप्शन बी है यजुर्वेद सामवेद तथा अर्थवेद के लिए, ऑप्शन सी था है ऋग्वेद सामवेद तथा अर्थवेद के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिशब्द का प्रयोग है वो किस किस के लिए किया गया था, वो किया गया था ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के लिए किया गया था। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, पुरुषोक्त का उल्लेख कहाँ हुआ है, ऑप्शन ए है ऋग्वेद के अंदर, ऑप्शन बी है गीता के अंदर, ऑप्शन सी है रामायण के अंदर, ऑप्शन डी है महाभारत के अंदर। तो जो पुरुषोक्त शब्द है उसका प्रयोग सबसे सर्वप्रथम कहाँ था, वो था ऋग्वेद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन 15 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय लोहे को पिघलाने तथा उसके विविध प्रकार के औजार और हथियार कब बनाना सीख गए थे, मतलब भारतीय लोग, ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी है 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो कब सीख गए थे वो सबसे भारतीय लोहे के बारे में जानकारी उन्हें कब हो गई थी, वो थी 6ठी शताब्दी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, कलिंग नंद वंश के अधिकार की पुष्टि करता है, तो ऑप्शन ए है महाबोधि वंश में, ऑप्शन बी है हाथी गुफा विलेख के अंदर, ऑप्शन सी है कथा सरिसागर के अंदर। तो नंद जो कलिंग पर जो नंद वंश के अधिकार की पुष्टि कौन सा अभिलेख करता है, वो करता है हाथी गुफा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, किस जैन ग्रंथों में महाजनबंधों की सूची मिलती है, ऑप्शन ए है भगवती सूत्र की, ऑप्शन बी है कथाकोश की, ऑप्शन सी है नंदी सूत्र की, ऑप्शन सी है परिशिष्ट प्रवर्तन की। तो किसकी मिलती है इनमें से, वो मिलती है भगवती सूत्र की। तो जो जैन ग्रंथ है, जो भगवती जैन ग्रंथ है, उसके अंदर महाजनपदों की क्या मिलती है, सभी 16 जनपदों की सूची मिलती है। अब पढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ऑप्शन ए है चंपा थी, ऑप्शन बी है कौशाम्बी थी, ऑप्शन सी है कौशल थी, ऑप्शन डी है विराट थी। तो कौन सी थी मत्स्य नगर की कौन सी हुई थी, विराट नगर राजधानी। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचारधारा में सृष्टि के दो नित्य तत्व जीव और अजीव में विभक्त किया गया है, ऑप्शन ए है जैन धर्म में, ऑप्शन बी है बुद्ध धर्म में, ऑप्शन सी उपनिषदों में, ऑप्शन डी है आजीवक में। तो किस में किया गया है, वो किया गया है जैन धर्म के अंदर। तो जो सृष्टि उसको दो भागों में बांटा है, जीव और अजीव में, किस में विभक्त किया, जैन धर्म में किया है। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और एवं कार्य का सिद्धांत किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है अविद्या को कहा जाता है, ऑप्शन बी है तृष्णा को, ऑप्शन सी है प्रत्यय समुत्पात को, ऑप्शन डी है कर्म तथा पुनर्जन्म को। तो किसको किया गया, वो किया गया प्रतिप्त और समुद्रपात को। अब बढ़ते हैं अपन 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे वैकल्प ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन ए है रजोपालिका के किनारे, ऑप्शन बी है निरंजना के, ऑप्शन सी गोमती के, ऑप्शन डी है गंगा के। तो किसके किनारे किया था, वो रजोपालिका नमक नदी के किनारे कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया था। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाविनिकर्षणम के बाद सबसे पहले ज्ञानवृद्धि का प्रयास किया था, ऑप्शन ए है मतलब उनके कौन से शिष्य हुए थे वो, ऑप्शन ए है पौंडिन्य व तथा कोलदेवल, ऑप्शन बी है आनंद व अश्वघोष, ऑप्शन सी है अलार कलम एव उद्रक रामपुत, ऑप्शन डी है सारिपत्र तथा नागसेन। तो इनमें से सबसे पहले किसको किसकी ज्ञान दिया था बुद्ध ने, वो थे अलार कलम तथा अद्रक रामपुत्र। तो और जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उनके जो सबसे निकटतम जो सबसे हुए हैं शिष्य वो कौन थे, आनंद थे। अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बुद्ध द्वारा ज्ञान की खोज में घर त्याग कर जाने की घटना को किस नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन ए है महाविनिकर्षणम के नाम से, ऑप्शन बी है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से, ऑप्शन डी है महाभियान के नाम से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है, वो क्या उसको जाना जाता है महाविनिकर्षणम के नाम से। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ऑप्शन ए है कौटिल्य की आत्मकथा, ऑप्शन बी है शासन के सिद्धांतों का ग्रंथ, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र विषयक पुस्तक, ऑप्शन डी है मौर्य काल का इतिहास है। तो इस जो अर्थशास्त्र के अंदर क्या बताया गया है, वो बताया गया है मौर्य काल के समय का इतिहास बताया गया है। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर, अशोक के किस प्रस्तर शिलालेख में कलिंग युग का उल्लेख है, ऑप्शन ए है 13वें के अंदर, ऑप्शन बी है 3रे के अंदर, ऑप्शन सी है 5वें के अंदर, ऑप्शन डी है 4थवें के अंदर। तो किस कौन से के अंदर बताया गया, वो बताया गया 13वें के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ऑप्शन ए है खरोडी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी है ब्राही, ऑप्शन डी है नंदगिरी। तो कौन सी लिपि को दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता था, वो थी खरोडी लिपि। तो इस क्वेश्चन का जो सही क्रोस्टी
सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यूनानी लेखों ने एंडोकोटस तथा सेंड्रोकोटस नामक किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया है? ऑप्शन ए कनिष्क के लिए, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त के लिए, ऑप्शन डी है बिंदुसार के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया है, वो क्या है समुद्रगुप्त के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह ग्रंथ जिसमें मौर्य को स्पष्ट क्षत्रिय कहा गया है वो कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए है इंडिका, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है महापरिनिबोनसत, ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। तो किसके अंदर बताया गया है, वो बताया गया है महापरिनिबोनसत के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि वह ऑप्शन ए है मतलब प्राकृत भाषा में क्यों है अशोक के अधिकतर जो लेख हैं वो। ऑप्शन ए है राज्य की भाषा थी, ऑप्शन बी अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, ऑप्शन सी है तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई, ऑप्शन डी एकमात्र ज्ञात भाषा थी। तो इसमें से कौन सा रीजन रहा था कि राज्य की भाषा थी, जो प्राकृत भाषा थी वो अशोक के समय राज्य की भाषा थी, इसीलिए उनके अधिकतर लेख इसमें मिलते हैं प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपन 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चतुर्थ बुद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन बिहार के निगर के काल में हुआ था। ऑप्शन ए किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए है कनिष्क के काल में, ऑप्शन बी है रुद्रदमन के काल में, ऑप्शन सी है अशोक के काल में, ऑप्शन जो डी है वो है हर्षवर्धन के काल में। तो किसके काल में हुआ था, वो हुआ था कनिष्क के काल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस जैन ग्रंथ में संकोच से संबंधित कथा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है वज्रसूची के अंदर, ऑप्शन बी है भद्र बहु चरित्र के अंदर, ऑप्शन सी है कालचार्य कथानक के अंदर, ऑप्शन डी है आचारंग सूत के अंदर। तो किसके अंदर हमें प्राप्त होती है, वो है ऑप्शन नंबर सी कालाकाचार्य कथानक के अंदर हमें प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की उपलब्धियां निहित हैं? ऑप्शन ए है जूनागढ़ के अंदर, ऑप्शन बी है भीतरी के अंदर, ऑप्शन सी है नासिक के अंदर, ऑप्शन डी है सांची के अंदर। तो किसके अंदर हमें प्राप्त होती है, वो है जूनागढ़ प्रस्तुति के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं अपन 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है कल्याण, ऑप्शन सी है जयदेव, ऑप्शन डी है भरत है। तो अष्टाध्यायी के कौन हुए हैं लेखक, वो है पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते अपन 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? ऑप्शन ए अशोक के समय, ऑप्शन बी अजात शत्रु के समय, ऑप्शन सी है कनिष्क के समय, ऑप्शन डी है हर्ष के समय। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो किसके समय होती है, वो हुई थी कनिष्क के समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। महाभाष्य के अनुसार किसने पुष्यमित्र को अश्वमेध यज्ञ कराया था? वो ऑप्शन ए वश्वमित्र ने, ऑप्शन बी है कालिदास ने, ऑप्शन सी है यज्ञसेन ने, ऑप्शन डी पतंजलि ने। तो किसने कराया था वो अश्वमेध यज्ञ, वो कराया था पतंजलि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो क्या ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते अपन 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रथम संगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी है मद्यूर में, ऑप्शन डी है केरल में। तो कहाँ हुई थी, हुई थी मद्यूर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है इत सिंह ने, ऑप्शन बी है फायान ने, ऑप्शन सी है देवचांग ने, ऑप्शन डी है हुईली ने। तो किसने करी थी काल के समय, वो थे फायान ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं अपन 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिरण्य क्या था? मतलब ऑप्शन ए गाय था, ऑप्शन बी अधिकारी था, ऑप्शन सी है नगद कर था, ऑप्शन डी है बंधुआ मजदूरी थी। तो जो हिरण्य है वो क्या था, वो था एक नगद कर था। तो इसका सही आंसर वो क्या ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते अपन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रयाग प्रस्तुति के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखी है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन बी है विशाखा दत्त ने, ऑप्शन सी है भारती ने, ऑप्शन डी है हरिशेण ने। तो प्रयाग प्रस्तुति किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है हरिचरण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ते अपन 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गुप्त राजाओं ने किस मत को संरक्षण दिया है? ऑप्शन ए है बौद्ध मत को, ऑप्शन बी है वैष्णव मत को, ऑप्शन सी है शैव मत को, ऑप्शन डी है दोनों वैष्णव या शैव मत को। तो इन्होंने किसको दिया, वो दिया वैष्णव मत को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो क्या, गुप्त सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए सिंह था, ऑप्शन बी है मोर था, ऑप्शन सी है गरुड़ था, ऑप्शन डी है हस्ती था। तो उनका क्या रहा है, गुप्त सम्राटों का वो रहा है गरुड़ था।
अब बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। हर्ष के हस्ताक्षर किस अभिलेख पर हैं? ऑप्शन ए अहोल पे, ऑप्शन बी है बांसखेड़ा पे, ऑप्शन सी है मधुबन पे, ऑप्शन डी है नासिक पे। तो जो हर्ष के जो हस्ताक्षर हैं वो कहाँ मिलते हैं अपन, हमें कौन से अभिलेख पे वो मिलते हैं? बांसखेड़ा अभिलेख पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना हर्ष ने नहीं की थी? किसने नहीं की थी? ऑप्शन ए है कादंबरी ने, ऑप्शन बी है नागनग्ध ने, ऑप्शन सी है रत्नावली ने, ऑप्शन डी है प्रियदर्शनिका ने। तो किसके द्वारा नहीं करी गई थी वो थी, वो है कादंबरी नामक ग्रंथ जो हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया था। अब बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। फुकोकी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है फुकू, ऑप्शन बी है फायान, ऑप्शन सी है डेलेन सांग, ऑप्शन डी है इत्सिंग। तो जो फुकोकी किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया फायान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। पंच भारत के विजेता कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है पुलकेशन आदित्य, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो कौन है पंच भारत के विजेता, वो है हर्षवर्धन। अब बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। राजपूत काल में शक्ति संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी है पाल, ऑप्शन डी है चौहान। तो कौन शामिल नहीं हुए थे, वो थे चौहान शामिल नहीं हुए थे। अब बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारतीय महाकाव्य पुरल का लेखक था कौन थे? मतलब ऑप्शन ए है कंबक्त, ऑप्शन बी है कोलियकट्टन, ऑप्शन सी है तिरुवल्लुवर, ऑप्शन डी है पुंगलेंदिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तिरुवल्लुवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य ने अपने राज्य निम्न में से किस क्षेत्र में स्थापित किया था? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मालवा में, ऑप्शन सी है दक्कन में, ऑप्शन डी है सुदूर दक्षिण में। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, और आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने से बहुत मदद होगी। धन्यवाद।